हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली मेरी सी केयर से रिलेटेड, जो आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सी केयर जूस जो कृष्णा हर्बल्स का है, तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर देखा था, तो उससे ही मैंने इसे बहुत सर्च करने के बाद इसे ऑर्डर किया। तो काफ़ी सारे लोगों की मैंने वीडियोस देखी, उन्होंने मुझे बोला कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ, मतलब आफ्टर वन मंथ, किसी ने लिखा था कि आफ्टर वीक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिला है पीसीओडी में और अपने इररेगुलर पीरियड्स जो हैं, हमारे हार्मोनल जो इम्बेलेंस है उसमें, ठीक है। तो उसके चलते मैंने इसे ऑर्डर किया था, कम से कम मतलब 2-3 तारीख में इसे ऑर्डर किया था। तो ये मेरे पास थी, अगर मैंने एक को भी ऐसे ऑर्डर किया होता तो 3 को ही मेरे पास आ गया था, ठीक है। तो 4 तारीख से मैंने ये कृष्णा जो जूस है इसे लेना शुरू किया, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि दी इसे यूज़ करके कैसे यूज़ करते हैं वो बताइए, और कितना टाइम हमें दिन में लेना, मतलब बहुत लॉट्स ऑफ कमेंट्स आए थे इसके ऊपर। तो मैंने सोचा कि उसकी वीडियोज़ मैं एक अलग से लेकर आऊँगी दिन इसके बाद, है ना। और बीच में कल मेरा संडे की वजह से ऐसी मैशअप रहा, तो पूरा हटक वाला दिन हो जाता है संडे, तो कोई शूट ही नहीं हो पाया था। देन मैंने सोचा था कि क्यों ना आज सबके कमेंट्स की रिप्लाई किए जाए, बट हुआ ही नहीं। तो इसके चलते मैं आज ला दूँ आपके लिए ये। तो मैं बता दूँ आपको, ये है सी केयर जूस जो आपको 1000 ml मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरी बॉटल हो चुकी है फिनिश, तो मैंने इसे 4 तारीख से लेना शुरू किया था। तो ये मेरी मैक्सिमम ये मेरी 15 या 16 दिन चली थी ये बॉटल, ठीक है। तो ये आपके पूरे महीने भी नहीं चलेगी, क्योंकि आपको दूसरा एक महीने में आपकी 2 बॉटल्स लगेंगी, मतलब 2000 ml की 2 बॉटल सब पे लगेंगी। तो मैंने फिर से, मेरा थोड़ा सा रह गया था, मतलब 1-2 ढक्कन ही रह गए थे जो हमें 30 ml लेना है दिन में, तो वो उतना ही रह गया था। तो मैंने ऑर्डर किया था, तो 2 दिन में डिलीवरी इतनी ज़्यादा फास्ट थी कि 2 दिन में मेरे पास ही आ गया था, ठीक है। तो ये मैंने दूसरी बॉटल इसकी मंगाई है, अभी मैंने इसे पी लिया है थोड़ा, मतलब 4 टाइम मैंने इसे पी लिया है। तो इसका पहले यह यहाँ तक फुल था, ठीक है। तो ये इतना हो चुका है, ठीक है। अभी तक मैं बता दूं कि अभी तक मुझे इतने 15-20 दिन हो गए मुझे इसे लेते हुए, ठीक है। तो अभी तक मुझे इतने ज़्यादा कोई असर दिखा नहीं, ना कोई पीरियड्स आए मुझे, ना कुछ, अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा। और मतलब मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि चलो ठीक है, अभी मैं 2 महीने से कंटिन्यूसली लूँ, उसके बाद ही मेरे जो रिज़ल्ट होंगे वही आपके सबके सामने शेयर होंगे। एंड देन मैं इसे कंटिन्यूसली ले रही हूँ सुबह और शाम को, जैसे इसमें दिखा गया है कि आपको लीक वार्म वाटर में सुबह और शाम को इसे लेना है 30-30 ml, ठीक है। इसके ढक्कन में मैं दिखा दूँ आपको, तो जो इसके साथ ये ढक्कन दिया है, कैप दिया है इसमें, ठीक है। इसमें से आपको 30 ml पानी लेना है लीक वार्म वाटर, और 30 ml लेना है ये लिक्विड वाला दवाई, ठीक है। तो वो आपको सुबह शाम खाली पेट लेना है सुबह, और इवनिंग रात के टाइम आपको डिनर के आधे घंटे बाद आपको ये लेना है, ठीक है। तो आप चाहे 7 बजे डिनर करते हो, 8 बजे डिनर करते हो, मतलब जिस टाइम भी आप डिनर करते हो उसके बाद आपको ये लेना है। एंड देन बारी है इसके प्राइस की, तो ये मुझे पड़ा था 450 रुपीज़ का जब मैंने फर्स्ट बॉटल परचेज़ की थी। एंड देन सेकेंड बॉटल जब मैंने परचेज़ की, तो मेरे को थोड़ा सा कॉइन भी मिले थे, तो मुझे 400 रुपीज़ की पड़ी थी। थोड़ा सा मुझे या तो इसका आदत हो गई है, इसकी वजह से इसका टेस्ट मुझे थोड़ा चेंज लगा, बट स्टिल कि मुझे थोड़ा सा इसका इसका टेस्ट और इसका टेस्ट डिफरेंट था बहुत, मतलब कि या तो मुझे कड़वे की आदत हुई, बहुत ज़्यादा टटरे सा, मतलब कड़वा सा है कुछ इसका फ्लेवर, क्योंकि इसमें सारे जो हर्ब्स होते हैं नेचुरल हर्ब्स वो मिलाए हुए हैं, तो उसकी वजह से शायद हो सकता है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा हो। बट सिल्क में सिर्फ रोज़ डेली यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे कुछ बेनिफिट मिले, तो मैं आपको भी बताऊँ। और अभी तक देखा जाए तो मुझे ऐसा कुछ खास इम्प्रूवमेंट लगा नहीं, बट ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कि हो, मैं जब पीरियड्स होने वाले हैं, बट हुए नहीं भी, ठीक है। जो मुझे 5 महीने से स्टॉप थे, अभी तक कोई भी हरकत नहीं है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर चल रहा ना, हाँ, 4 तारीख को मुझे 6 महीने कंप्लीट हो चुके हैं, मुझे पीरियड्स नहीं आए हुए। तो उसी के चलते मैंने सोचा कि ये मेरा लास्ट एंड लीस्ट ऑप्शन रहेगा कि 2 महीने में इसे ट्राई करने के बाद, कि अगर मुझे मेरे पीरियड्स रेगुलर होते हैं तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, अगर नहीं तो फिर ये भी औरों की तरह ही डस्टबिन में जाएगा। तो इसलिए मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि 2 महीने से कंप्लीट करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने लिखा कि हमारे लिए वरदान है, हमारे लिए मतलब ऐसा है वैसा है, विद इन वीक हमें इससे फ़ायदा मिला, विद इन मंथ हमें इसे ट्राई करने के बाद इतने बेनिफिट मिले। तो मैं चाहती हूँ कि वो सच हो मेरे लिए भी, एंड देन जिनको मैं रिव्यू कर रही हूँ उनके लिए भी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, एक नहीं है, बहुत सारे कमेंट्स हैं इस
हिस्ट्री क्या है जो उसके ऊपर मुझे लगता है कि 100 में से 80% जो लेडीज़ हैं जो भी गर्ल्स हैं उन्हें पीरियड्स पीसीओडी की प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि हमारे डेली जो रूटीन का खान पीन का होता है सिस्टम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं ना। तो उनके हिसाब से अगर मुझे ये बेनिफिशियल लगा तो ज़रूर मैं आपको रिकमेंड करूँगी बिना किसी पेड प्रमोशन के, ठीक है। तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, बट सेल की मैं अभी फिर थोड़ा दिन और वेट कर रही हूँ। और मैं बता दूँ आपको, महीने में आपको 2 बॉटल्स लगेंगी भाई, 15 दिन 1 एंड देन 15 दिन 1, तभी आपका महीना कंप्लीट होगा। एंड नहीं तो आपका, मैं मुझे पल्ले लगा था कि शायद मेरे 2-3 महीने के हिसाब से होगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम में बॉटल देखी मैं, ओ माय गॉड इतनी बड़ी थी कि मेरे 2 महीने तो आराम से निकलेंगे, बट नहीं, स्टिल की मुझे पता चला कि ये सिर्फ 15 दिन ही चलेगी, क्योंकि लिक्विड है तो 30-30 ml अगर हम 60 ml हम एक दिन के ले रहे हैं इसमें से, है ना। तो चलिए गाइस, बहुत सारे इसमें नेचुरल हर्ब्स हैं जैसे कि गिलोई है, तुलसी है, मुलेठी है और पपाया लीव्स हैं, एंड देन अशोक की छाल है, बहुत सारी हैं जिसमें आधे बेनिफिट्स हैं उनके मुझे भी नहीं पता, बट स्टिल की इसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। अगर आप भी ऑर्डर करना चाहते हो तो अपने बिहाफ पे, है ना, ट्राई कर सकते हो। तो मुझे ऐसे ही कमेंट्स भी आए थे बहुत सारे, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो इसकी वजह से मैंने इसे यहीं तक स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपनी फैमिली का। राधे राधे, जय माता दी।